और राष्ट्रपति की जब बात कहो इसको खंडन न बीच कर दो, जो कि इस एक आदमी को राष्ट्रपति हमने बनाया, उस राष्ट्रपति को बना करके इतनी पिटाई हम लोगों को किया, इतनी पिटाई किया और मुंह भी नहीं खोलने दिया, जब भी वो खुला है गरीब राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी रखना माया जाता, लेकिन मेरे घर इनको पार्टी का कैंडिडेट बनाने लायक नहीं समझा था। ऐसे घूमे बहरे दलितों को राष्ट्रपति प्राप्ति बनाने से क्या फायदा, जो चपरासी के बराबर काम करे और उसकी आर्थिक हमारी हो गई है। और इसी तरह से हमने जो उसका विरोध करना शुरू कर एक उसी के आदमी मारा है, अरे तुम्हारा आदमी है तो सारा प्राधिकारी कर दो, तो सारा बेरोजगारी नौकरी खा जाओ, वाजपेयी पूरा हमारे नहीं और जगह नहीं हमारे कुछ नहीं, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है। ये जो निजीकरण हो रहा है इसका विरोध विरोध ताकत से हो, सोशल मीडिया के बारे में हमने बोल दिया कि सारे लोगों को जितने यहाँ बैठे हुए हो अपने लिए रिपोर्टर बन जाओ, अपने अपने बीवी बच्चों को अपने घर के लिए रिपोर्टर बन जाओ, मोबाइल पर आ जाओ, आपकी आधी लड़ाई आपकी। आज बहुत निर्णायक बात बोली गई, हो सकता है कि देश आज की तारीख देश याद करे। बहुत बढ़िया, हमने सुमित रतन जी ने जो बात कही कि सबको मिला के फिर से बहुजन आंदोलन को खड़ा किया जाए, बहुजन आंदोलन बिखर गया। अभी माननीय पिकेट जी कह रहे ईवीएम में भी हराया नहीं, गलत सर्टिफिकेट में भी नहीं हराया, उसने हराया। इसका जिसकी बुनियाद ही थी मनवाद के खिलाफ, जीताया तो उन्हीं लोगों ने। आप ही बात को मैं सहमत करते ईवीएम में भी नोबला और दस राउंड आठ राउंड तक कैंडिडेट जीत रहा है, नौवा दसवा में हरा था, कई जगहों के ऐसा। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आपने वो विषय बहुत अच्छा और बहुत ही सार्वगर्भी चुन लिया, मैं उसका कायल हूं कि आपने बड़ा अच्छा बीच छोड़ी इस देश में, प्रयास कर्नाटक केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र सब आवाज स्टेट, कोई डायरेक्टर जनरल है, कोई इम्प्लाई है, कोई डॉक्टर है, दिस इज सेकंड डे। जिसका मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसका वादा ही था मनवाद के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ही मनवाद को चुनाव जीता, वरना बड़ा फासला हो जाता तो बेईमानी भी काम में आती, फासला कम कर दिया। अभी कोई शेखर है प्रिंसिपल है, शेखर दिया कोई शेखर रिटायर हमने क्या सीएस डीएस, एक ऐसा बॉडी है कुछ भी हो जाए उसको कोई प्रभावित नहीं करता, सीएस डीएस का काम ही है आंकड़ा इकट्ठा करना, सर्वे करना सारा। सीएस डीएस ने कहा 21% बसपा का वोट बीजेपी में गया और मात्र 14% ही गया समाजवादी पार्टी। सीएसडीएस ने कहा जे नौ जिसको किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता, जिसने यह कही दिया था कि समाजवादी पार्टी न जीते भले भाजपा जीत जाए,
तो जो फासला कम हो पाया, वरना तो मैं समझता हूं कि 300 सीटें विपक्ष में जाती और आपका जो आंदोलन था माननीय टिकैत जी का और जो किसान आंदोलन था ये फेल नहीं हुआ। जब अपने ही फेल करते तो क्या किया जा सकता है, बाकी आप हारे नहीं है। जब अपने ही घर का या उन्हीं के विरोध को जो पैदा हुआ उन्होंने ही हरा दिया हम लोगों को, तो क्या था फासला बहुत कम। सही बात, मैं तो नहीं जाने भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल मीटिंग होती है जो बहुत सीक्रेट होती है, लीक आउट हो गई, इंडियन एक्सप्रेस में छप गया, इंडिया ही को ये समय दी। खैर हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, लेकिन जो परिस्थिति है उसका चित्रण कर, तो अब कौन सा आंदोलन बचा, तो क्या फिर आंदोलन नहीं बचा, आंदोलन बिखर गया बिख गया, तो क्या एक नया नहीं खड़ा होना चाहिए जो मंत्री जी कह रहे हैं एक नया खड़ा होना चाहिए। लोग हैं उनको केवल नेटवर्किंग कर देना चाहिए। अभी जवाब खान जी बड़ा मतलब बड़े समर्थन किया तो करना चाहिए, तो आज एक प्रस्ताव लिया गया और हम आपको कह रहे हैं विकास जी आप जेपी से कम नहीं होने वाले हैं, हम लोग अब फिर से पुनर् गठित करेंगे, लेकिन आप जिस व्यवस्था के आप पा रहे हैं वही व्यवस्था का गरीब आदिवासी ना रहा। आर्मी को हरा करके खत्म करके एक एक दो सीटें दे देना, एक नाई को पकड़ा दिया तो जाट को पकड़ा दिया, एक कुर्मी को, एक यादव को, एक आप कह सकते हैं कि कश्यप को, एक धीमर को और बाकी सब ले लिया। एक समय में था भागीदारी, एक समय में जाट समाज की भागीदारी थी उत्तर प्रदेश में, आज भागीदारी नहीं है। यह बात जाट समाज को भी समझाना पड़ेगा कि हरियाणा या पूरा पश्चिम पूरा इलाक दुनिया में ऐसा हुआ है, उनका मनवादीकरण किया गया है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई कहां गए जिनको लाखों हजारों करोड़ जिनके पास में है मंदिर वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, केवल सिख ही दिखाई पड़े थे जिन्होंने लंगर चलाया। हालांकि ऊपर आलोचना हुई मैं नहीं जानता, लेकिन खराब होना चाहिए था हमने जो कहा सही कहा। गुरुद्वारों के पास इतना पैसा नहीं, लेकिन मैं गुरुद्वारों को सलाम करता हूं कि दुनिया में शायद कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इतने बड़े आंदोलन को चलाया, अगर वो ना होते कितना बड़ा आंदोलन नहीं करता। इस बात का चढ़ावा हमारा, मैं तो अब यह कहने लगा हूं कि जो भी दलित मंदिर में जाके थे वो कह देना चाहिए और मारो, और मारो। अब तो हमने यह लिखना शुरू किया, आप भी लिखना शुरू करो, जितना जा जितना फूटे और कह दो और मारो, ये जूता हम भी मार देंगे। जहां सम्मान नहीं वहां तो जाएगा, किसी एक की नौकरी 2000-3000 वर्ष से हमारे पूर्वज कथा जागरण पूजा कर रहे हैं, एक सिपाही का नाम पान 35 करोड़ देवी देवता में
मिल करके एक सिपाही एक पटवारी अगर बना पाया और कोई नहीं बना। ये तो रिजर्वेशन है जिसके वजह से आज के समय 40 लाख एनसीएसटी एम्प्लॉई से रजिस्टर तक आज भी 20 लाख के आसपास है। ये आरक्षण की वजह से हुआ है, किसी पूजा पाठ के कथा जागरण और किसी देवी का हुआ होगा क्या? 200 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले हमारा पूर्वजों ने पूजा नहीं किया क्या? कथा जागरण नहीं सुना, कहावा नहीं दिया, एक कलर बना दिया हो तो मुझे बता। तो सवाल इस बात का है कि आप की लड़ाई को हम सलाम वो करते हैं, आपको उस समय क्या नहीं दिया जा सकता? हो सकता था कि अगर उस समय आप समझौता कर लिए होते थे, अभी राष्ट्रपति का चल रहा था, राष्ट्रपति बना था। एक बात वो कहा, दलित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब बात चलित करो इसको खंडन अभी से कर दो, क्योंकि इस एक आदमी को राष्ट्रपति हमने बनाया, उस राष्ट्रपति को बना करके इतनी पिटाई हम लोगों को किया, इतनी पिटाई किया और मुंह भी नहीं खोलने दिया, और जब भी मुंह खुला है दलित राष्ट्रपति को है। ये 20 मई 2014 ये रामनाथ कोविंद जी अपना भाया था लेकिन मेरे घर है। इनको पार्टी का कैंडिडेट बनाने लायक नहीं समझा था। ऐसे गूंगे बहरे दलितों को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने से क्या फायदा, जो चपरासी के बराबर काम करे और उसकी आर्थिक सारी हमारी हो गई है और इसी तरह कर रहे, हमने तो उसका विरोध करना शुरू कर ये उसी के आदमी मारा हमने। अरे तुम्हारा आदमी है तो सारा कर दो, ये कर दो सारा पेट, सारी नौकरी खा जाओ, वाइस चांसलर हमारे नहीं और जज नहीं हमारे कुछ नहीं, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है, और हम लोगों का मुहूर्त तो जज मिल गया था। तो हमें उपराष्ट्रपति अभी मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा देर की पहले शायद फिर से चक्कर चलाया जा रहा है कि साउथ से कोई दलित पकड़े वहां पर रोक लेने के लिए। तो भाई हमें नहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिए, ये तो कड़क भी फायदा करते दलित ये नहीं कर सकते। एक बात दूसरी बात है कि जो निजीकरण हो रहा है इसका विरोध ताकत से हो, सोशल मीडिया के बारे में हमने बोल दिया कि सारे लोगों को जितने यहाँ बैठे हुए हो अपने लिए रिपोर्टर बन जाओ, अपने अपने बीवी बच्चों को अपने घर के लिए रिपोर्टर बन जाओ, मोबाइल पर आ जाओ, आपकी आधी लड़ाई आपकी मोबाइल पर आ जाओ, ट्विटर फेसबुक अखबार टेलीविजन आपका साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस बात का आप पूरी तरह से जैसे भक्ति जी मौर्य जी ने कहा ऐसे ही बात, कुछ समय परिसर का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, बस हम लोगों का ख्याल आया कि 10 लाख लोगों को बहुत बनाना है, तो 4 नवंबर 2001 को रामलीला मैदान में होना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, नहीं होने दिया। डीसीपी पुण्यन डीसीपी पुण्यन थे, उन्होंने रात में खबर किया कि हत्या भी हो सकती है, आरएसएस और बीजेपी उस समय सामने आ गया था, कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया और कार्यक्रम निरस्त हुआ, फिर भी लाखों लोग धंधेबी जी यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं उसके गवाह हूँ, कुछ कितने ऐसे लोग हैं जो 4 नवंबर 2001 को मेरे साथ हिस्सा लिया था, मैदान को छावनी बना दिया था, छावनी बना दिया, अभी भी है कम से कम 50 साल लोग भटकते रहे, अंबेडकर बहुत पहुंचना मुश्किल हो गया लोगों का, झंडे भी पड़े। अच्छा अनिल कुमार जी भी थे, हाँ झंडे भी थे, आप भी थे उस समय, झंडे भी पड़े थे। अरे 50-60 लोग हैं, दयानंद जी भी हैं, 50-60 लोग हैं जो उस समय हमारे साथ थे।
मैं उस समय मैं नामराज हुआ करता था, हमने कहा भैया ले लो तुम अपना नाम भी, मेरा फिर से उदय हो रहा है, मेरा संस्कार हो रहा है, मैं भैया हम चले डॉक्टर अम्बेडकर भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर चला। मंत्री जी ने बताया क्रांति इस देश में उस समय नहीं हो सकती, हो जाती। हमारा उसके बाद मंसूबा था कि 50,000 लोगों को और एक छत के नीचे चमार खटी पासी धोबी धानुक सबकी अंतर जाति शादी करके इसको शुरुआत कर। पता लगा इतने लोगों की छेद पड़ गए हमारे लिए, भाई ये राजनीति कर ये क्या किया इसने ये क्या किया, और उसी के उसी अंतर विरोध से भी अभी भी समाज गूंज रहा है। तो लाखों संगठन लेकिन सब टुकड़ों में है। मैं आज आपसे वादा करता हूँ मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं कोई संगठन का नेता नहीं हूँ, इस संगठनों का संगठन भाई। ऐसे आपात ऐसे संकट की घड़ी में कम से कम कुछ मुद्दों के ऊपर सब लोग अपनी जो अहंकार है अपनी अपने जो संगठन की जो आइडेंटिटी है उसको भूल करके कभी कभार अगर इकट्ठा हो जाओ तो करोड़ों इकट्ठा हो जाओगे, एक ही दिन में भाग जाएंगे, एक दिन में कुछ भाग जाएंगे। आप करें आह्वान की स्तर, आपका साथ कौन देगा, आपने दे दिया आपका साथ यही लोग, क्योंकि इस देश से जाति न गई है न जाएगी। भाई कैलिफोर्निया में ये सिस्को कंपनी के अंदर भयंकर जातवाद अमेरिका में हो गया, अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वहां पर सीनेट ने लॉ पास किया, वहां भी जातिवाद बहुत फैल गया है। इसलिए आपको मसीहा बनाने वाले या हमें नेता बनाने वाले कौन होंगे आप जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मैं अपनी बात करता हूं। हम एक जो संकल्प आपने लिए सोशल मीडिया सबको रिपोर्टर बनना है अपने हित में अपने समाज के हित में, संकल्प लिया कि नहीं लिया, इस संकल्प को सब लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आपस में हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये भी संकल्प है लिया कि नहीं लिया। और जब भी एक कामन काल होगा तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा कि नहीं होना है।